नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आज हम लोग देखेंगे टाइम और वर्क से रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स और उनका प्रॉपर सॉल्यूशन और ट्रिकी सॉल्यूशन, जिससे कि हमारा कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है उसमें कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस टाइम और वर्क से रिगार्डिंग पूछे जाते हैं और उनको किस तरह से हम इजीली बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पर, 20 वर्कर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, आफ्टर हाउ मेनी स्टूड 5 वर्कर्स लीव द जॉब सो दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन 35 डेज। जो इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं पहले अंडरलाइन। एक 20 वर्कर्स है, पहले 20 वर्कर्स ने काम किया, वो किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी शुड 5 वर्कर्स लीव द जॉब। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था इन अपने जो टाइम और वर्क से रिगार्डिंग जो मेरे प्रीवियस पार्ट्स हैं उसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था किस तरह से सॉल्व करना है इस तरह से न्यूमेरिकल। जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या करना है आपको। आपको ये फॉर्म याद रखना है, M1 into D1 equal to M2 into D2। यहाँ पर M1 और D1 क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैन इन प्लेस, मैन की जगह पर क्या हो सकता है, वर्कर हो सकते हैं, मजदूर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये क्या होगा, D का मतलब हो गया डे, मतलब कितने दिन में काम किया। ठीक है, तो जैसे कि उस तरह का न्यूमेरिकल हम कर देते उसमें यूनिट होता था ना, इस तरह से यहाँ पर क्या मैन इंटू डे होगा, तो ये क्या होगा, यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम लोगों को इतना वर्क किया गया पूरे, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या, 20 वर्कर दिया हुआ है, कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, तो हम देखते हैं कितना यूनिट वर्क है एक्चुअली। तो हम देखते हैं यूनिट कितना दिया हुआ है, यूनिट को यहाँ पर हम लोग एम इंटू डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 20 वर्कर दिया हुआ है, तो हमने लिखा 20 इंटू, अब ये क्या होगा, एम की जगह कितना लिख दिया 20, क्योंकि मैन मतलब वर्कर इतने 20 वर्कर हैं, इंटू, अब डी का मतलब क्या, कितना डे, ठीक है, कितना लगा 30 डेज, यहाँ पर लिखा हुआ 30 डेज में वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया 600, या फिर हमको 20 इंटू 30 ही लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर कैलकुलेशन के लिए अभी इसको सेम रखिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हमें कैंसिल करना होगा तो ये कैलकुलेशन में इजी रहेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं यार, या ये लिख लीजिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ये लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, आफ्टर हाउ मेनी शुड 5 वर्कर्स लीव, अब वो कह रहा है कि 20 वर्कर्स थे उसमें से 5 वर्कर कितने दिनों में लीव कर जाएं, वो छुट्टी पे चले जाएं, ताकि जो हमारा काम है वो 30 डेज, या फिर क्या 30 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, वो 30 डेज की जगह 35 डेज में कंप्लीट हो। तो हम क्या मान के चलते हैं कि लेट एक्स डेज, मतलब कि एक्स दिन हम मान लेते हैं कि एक्स दिन तक सब लोगों ने काम किया, एक्स दिन में क्या होगा 5 वर्कर्स काम छोड़कर चले जाते हैं और जो बचे हुए वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, तो इस तरह से हमारा काम 35 डेज में कंप्लीट हो जाता है। हमने क्या माना कि पहले 20 वर्कर्स काम करेंगे, तो मैन इंटू डी, एम इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले क्या 20 वर्कर्स ने काम किया इंटू डी, कितने दिन तक काम किया, हम देख लेते हैं कि एक्स डे तक काम किया, तो इतना हो गया प्लस, मतलब कि जो काम है वो इतना हो गया 20 इंटू एक्स प्लस, अब क्या हो गया कि 5 वर्कर्स काम एक्स दिन के बाद 5 वर्कर्स काम छोड़कर चले जाते हैं, तो हमारे कितने वर्कर्स बचे हुए हैं, 20 - 5 15 वर्कर हमारे बचे हुआ है, तो 15 हो गया, और दिन कितने बचे हुए हैं, एक्चुअली हमको काम खत्म करना 35 डेज में, एक्स डेज हमारा कंप्लीट हो गया, तो 35 माइनस एक्स हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा ये पूरा काम हुआ, ये पूरा काम हमारा कितना इसके बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सेम यही रखिए 20 इंटू 30, या फिर यूं कर दीजिए आप ये 600 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने लिखा हुआ है, एक्चुअली क्या था कि जब 20 वर्कर्स काम करते थे तो वो 30 डेज लेते थे, तो हमने मैन इंटू वर्क निकाल दिया, मैन इंटू डेज, मैन इंटू डेज निकाला तो हमारा इतना आया, मतलब हमको इतना यूनिट वर्क हमको टोटली करना है। ठीक है, अब वो किस तरह से होता है, तो यहाँ पर देखते हैं कि उसने पूछा कि 5 वर्कर्स काम छोड़कर चला जाते हैं। ठीक है, तो 5 वर्कर्स चले गए, तो पहले हमारे 20 वर्कर्स एक्स डे तक सभी लोग काम करते हैं, तो एक्स डे का निकाल लिया कितना यूनिट उन्होंने काम कर लिया, कितना यूनिट काम किया उन्होंने, फिर क्या हो गया 5 वर्कर एक्स दिन के बाद चले गए, तो हमारा दिन कितने बचे, 35 दिन में कंप्लीट होना था, तो x 35 माइनस x डे बचे और हमारे वर्कर 15 बचे, तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल यूनिट वर्क निकल आएगा। अब इसको हम क्या है कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, एक बार 5 × 20 और 5 × 15 और 5 × 20, तो एक कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 4x प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 105 और माइनस 3x इक्वल टू 3 × 12 120 हो गया ये, तो हमारे क्या 4x माइनस 3x इक्वल टू x हो गया इक्वल टू 120 माइनस 105 इक्वल टू ये कितना हो गया 15, ये क्या होगा 15 हो गया, ये 15 डेज आ गया, तो हमारा x की वैल्यू, x माना था हमने क्या, x माना था हमने यहाँ पर लेट x डेज, मैं
कि मतलब जो पांच वर्कर हैं वो एक्स डे 15 दिन के बाद काम शुरू कर चले जा सकते हैं, तो हमारा काम 35 डेज में हो जाएगा। इस तरह से हम और भी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल देखेंगे, जब तक कि हम दूसरे न्यूमेरिकल देखते हैं।